कर लेते हैं। भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में खासी किरकिरी हुई है। दरअसल जज्जी की फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में उनके वकील ने विधायक की खराब तबीयत का हवाला देकर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, जिसके अनुसार विधायक 29 जुलाई को चेस्ट पेन की वजह से अस्पताल में भर्ती थे, जबकि विरोधी वकील इस पर आपत्ति जताते हुए इस कार्यक्रम की फोटो पेश की है जिसमें जज्जी शामिल हुए थे। यही नहीं, इस बात को साबित करने के लिए जनसंपर्क विभाग का प्रेस नोट भी कोर्ट में दिखाया गया है। दोनों दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल सर्टिफिकेट को अस्पष्ट पाया और 7 अगस्त को विधायक को खुद पेश होकर बयान दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 2018 में अशोकनगर सीट से जजपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लड्डू सिंह पुरी ने विधायक का अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए याचिका दायर की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता जावेद खान। जावेद, यहाँ पर जज्जी को लेकर अब कोर्ट ने भी उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट को है उसे अमान्य कर दिया है और 7 अगस्त को दोबारा बुलाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अशोकनगर के बीजेपी विधायक हैं वर्तमान में जजपाल सिंह जज्जी, जिन्होंने कि अपना चुनाव बीजेपी के टिकट पर इस बार जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है उसको लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई चल रही है, और इसमें जो बीजेपी के नेता उनके जो 2018 में प्रतिद्वंदी थे लड्डूराम कोरी, उन्होंने ये याचिका दायर की है और इसमें जो उनका जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। और इसकी जांच करने के लिए जो विधानसभा की हाई पावर कमेटी भी जांच कर चुकी है, लेकिन उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई थी और उसके बाद से इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है लड्डूराम कोरी द्वारा। और इसमें बताया गया है कि ये राजस्थान के रहने वाले हैं, जहां पर उनकी इनकी जो जजपाल जी जज्जी है वहां की जाति का प्रमाण पत्र अलग होता है, जिसे मध्य प्रदेश में मान्य नहीं किया जा सकता है। इसी को चुनौती देते हुए सुनवाई चल रही है, लेकिन किसी न किसी बहाने को लेकर जो जजपाल सिंह जज्जी जो विधायक हैं अशोकनगर के, वो अड़ंगा लगाते रहते हैं, बहानेबाजी करते हैं कोर्ट में गवाह देने के लिए। उनके द्वारा प्रस्तुत जो गवाह किए जाने हैं समय पर नहीं होते, हर बार उनके वकील द्वारा समय लिया जाता है, जिससे कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। और उसमें बताया है कि जो कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो मामला ताजा आया है, उसमें 30 तारीख को वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और उससे पहले 29 तारीख को 30 को उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहां के एक निजी अस्पताल से जारी किया गया, जिसमें बताया गया था उनके चेस्ट में पेन है और बीमार है, इस वजह से वो 15 दिन तक सुनवाई को टाला जाए। इस पर कोर्ट ने जो उनको पक्ष में विपक्षी जो बहस हुई उसमें सामने आया कि ये उन्होंने फेक तरीके से बनवाया था और उस दिन एक कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए थे और उसके फोटो भी गवाह के रूप में पेश किए गए थे कोर्ट के सामने। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। Thank you.